just came out giving the mathematics section of the NDA 1 2021. Compared to the difficulty level as compared to last year, it was comparatively easier than last year, and also I think the competition was lesser because I could see a lot of vacant seats in the examination hall. The COVID protocols were not actually properly maintained because there was a lot of chaos when we were checking the seat numbers, and no one was actually maintaining social distancing, though in the seating arrangements, the social distancing was maintained and hand sanitizers was also occasionally given. Since the paper was easier than last year, I am expecting that the cutoff will be going higher this time, and since the competition is also low, so maybe the cutoff will increase by maybe 10 to 20 marks at least. And what about the overall difficulty level of the paper? The overall difficulty level was on the easier side actually, not even the moderate, on the easier side. So did you find any particular section difficult and particular section easier? No, the weightage was given to mostly complex numbers, conic sections, trigonometry. Yeah, these three chapters contained the maximum weightage, and there was not actually any difficult section. Everything was moderate to easy only. मेरा नाम सौविक जाना है. मेरा ये सेकंड अटेम्प्ट है यूपीएससी एनडीए में. तो अभी तो मैथ्स पेपर ख़त्म हो गया. मैथ्स का था 2 hours 30 minutes का, और इसके बाद जीएटी एग्ज़ाम है. पिछले साल से इस साल का मैथ्स पेपर थोड़ा सा टफ था क्योंकि पिछले साल वो NDA 1, NDA 2 दोनों एक साथ हुआ था, तो और डिफ़िकल्टी लेवल भी कम कर दिया गया था, तो इस साल मीडियम था. तो व्हिच सेक्शन यू फाउंड डिफिकल्ट एंड व्हिच सेक्शन वाज इजी? मैथ्स में तो वैसा बता नहीं सकते कौन सा इजी, मॉडरेट ओवरऑल. एंड कोविड के लोग प्रोटोकॉल्स सब कुछ फॉलो किया गया अंदर? हाँ, एवरीथिंग वाज मेंटेन्ड, कोविड प्रोटोकॉल्स, एवरीबडी वाज सैनिटाइज्ड एंड दे वेयर मास्क्स इन द एग्जाम हॉल. My name is Shantanu Sharma. The question paper was easy. Was generally came from class 11, 12, and some portion of class 10 also. Means the shadow portion. And also, I have attempted almost 85 questions out of 120. And the question was a bit difficult, but then also it's comparatively to other years it's easy. और कोविड को लेकर जो प्रोटोकॉल है सब कुछ फॉलो करके अंदर ऑल प्रोटोकॉल्स वाज मेंटेन प्रॉपर्ली? ऑल प्रोटोकॉल्स मेंटेन. सो डू यू हैव एनी कंप्लेंट? आई मीन डिड यू फेस एनी डिफिकल्टी देयर? नो, नॉट एनी डिफिकल्टी. टीचर्स हेल्प्ड अस इन रिगार्डिंग द क्वेश्चंस. इन सॉर्ट ऑफ क्वेश्चंस डिफिकल्ट which we feel, so they can we just call them and they do this. Exam तो मतलब नाम बताओ. अभिषेक. Exam इतना मतलब अच्छा नहीं रहा. Math section थोड़ा tough था. 40 questions से attempt कर पाया. और बाकी मतलब बाकी इतना छोड़ दिया उतने भी. Last year के comparison में क्या changes? First attempt था मेरा. अच्छा, first attempt. हाँ. ओके. और कोविड को लेकर जो प्रोटोकॉल फॉलो करना है अंदर सब कुछ फॉलो हो रहा था? हाँ, हो रहा था, लेकिन लाइन इतना ज़्यादा मत बहुत था लाइन. तो कोई मतलब डिफिकल्टी फेस किया आपने? नहीं, डिफिकल्टी तो नहीं फेस की. मेरा नाम नीलेश कुमार हुआ. मैं एनडीए के एग्जाम के लिए आया था. एग्जाम तो मेरा ठीक नहीं, मतलब 60% है. 60% के क्वेश्चन ठीक ही था, कोई चैप्टर से क्वेश्चन नहीं था, लगभग था क्वेश्चन. कौन सा सेक्शन डिफिकल्ट लगा मैथ्स में? मैथ्स में डिफिकल्ट लिमिट में हमको ज़्यादा डिफिकल्ट लगा. लिमिट का क्वेश्चन था ज़्यादा. और इजी कौन सा लगा? इनवर्स वगैरह का था, ट्रिगोनोमेट्री का इजी लगा ज़्यादा. और कोविड का लेके जो मेजर लेना चाहिए सब कुछ फॉलो किया गया अंदर? हाँ, अंदर में सारा चीज़ फॉलो. क्या क्या था अंदर? अंदर में सैनिटाइजर वगैरह का पूरा फॉलो, सोशल डिस्टेंसिंग वगैरह अच्छा से बैठाया गया था, सारा चीज़ मतलब फॉलो किया गया था, सैनिटाइजर वगैरह किया गया था.